Good morning kids, how are you? Fine? Very good. Today we have Hindi subject. आज हम हिंदी पढ़ेंगे. हिंदी में हम आज छोटे ऊ की मात्रा पढ़ेंगे. ये क्या है बच्चों? ऊ है ना, उल्लू का. अब मैंने आपको छोटे ऊ की मात्रा सिखाई थी, तो ये मात्रा कैसे लगती है? ये छोटे ऊ की मात्रा है. मैंने आपको पिछले वीडियो में छोटे ऊ की मात्रा सिखाई थी, है ना, कि किस प्रकार से छोटे ऊ की मात्रा, कि क में छोटे ऊ की मात्रा, ख में छोटे ऊ की मात्रा. तो आपने क से श तक छोटे ऊ की मात्रा किया था ना. अभी हम शब्द बनाना सीखेंगे. अभी देखिए कौन सा अक्षर लिखा है, स. ये कौन सा अक्षर है, ख. अभी दी मैं स में छोटे ऊ की मात्रा लगा दूंगी, तो ये कैसे बन जाएगा, सुख, है ना. स में छोटे ऊ की मात्रा सुख, सुख. अब देखिए ये कौन सा अक्षर है, त. और ये कौन सा अक्षर है, म. अब देखिए यदि त में मैंने छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, तो ये कौन सा शब्द बन गया, तू, म, तुम. बनाना देखिए. अब ये कौन सा अक्षर है, ह. और ये कौन सा अक्षर है, क. अब यदि ह में मैं ये छोटे ऊ की मात्रा लगा दूंगी, तो ये शब्द क्या बन गया, हुक, हुक. क्या बन गया, हुक, हुक, है ना. ये कौन सा अक्षर है, ध. ध धनुष का. और ये न, नल का. अब यदि मैंने ध में छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, तो ये कौन सा शब्द बन गया, धुन, धुन. इसी प्रकार आप यदि किसी भी अक्षर में ये छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो उसका उच्चारण ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, है ना. तो पांच छह छोटे ऊ की मात्रा, है ना. अब ये कुछ और शब्द लिखे मैंने, उनको हम फिर से पढ़ेंगे. देखिए ध, ध में छोटे ऊ की मात्रा धू, न, धुन. म, म में छोटे ऊ की मात्रा मू, ख, मुख. च, च में छोटे ऊ की मात्रा चू, प, चुप. प, प में छोटे ऊ की मात्रा पू, ज में आ की मात्रा जा. र, र में बड़ी की मात्रा री, पूजारी. य, म, म में छोटे ऊ की मात्रा मू, न, न में आ की मात्रा ना, यमुना. स, स में छोटे ऊ की मात्रा सु, प में आ की मात्रा पा, र में बड़ी की मात्रा री, सुपारी, सुपारी. तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको कुछ अक्षर लिखे हुए दिख रहे हैं, क, प, ल, च. अब इसमें आपको मात्रा लगानी है छोटे ऊ की, तो आप कैसे लगाएंगे, देखिए ये छोटे ऊ की मात्रा है. तो अब इसका उच्चारण कैसे हो जाएगा, पू. देखिए प में लगाई इस प्रकार से, पू. ल में लगाई लू. च में लगाई चू. तो मात्रा आपको बहुत ध्यान से लगाना है ना. इस प्रकार से आपकी वाचन बुक में पेज नंबर 14 में कई सारे छोटे ऊ की मात्रा से शब्द दिए हैं, वो आपको और पढ़ना है. तो आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा. जैसे उदाहरण के लिए बताती हूँ मैं, च में छोटे ऊ की मात्रा चू, ह में छोटी की मात्रा ही, य में आ की मात्रा या, चूहिया. इस प्रकार से मुकुट, मुकुट, साधु. तब ये कई सारे शब्द हैं, इनको आपको पढ़कर प्रयास करना है, ठीक है. अब दो वर्ण वाले शब्द, ये आपको होमवर्क में करना है, पुल, सुन, चुप. इस प्रकार से तीन वर्ण वाले शब्द दिए हैं, त में छोटे ऊ की मात्रा तू, ल, स में बड़ी की मात्रा सी, तुलसी, दातून, यमुना. ये आपको बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखना है, ये आपका होमवर्क है. अब मैंने पिछले वीडियो में जब आपको ऊ की मात्रा सिखाना शुरू किया था, तब मैंने आपको क से श्रु तक आपको कैसे मात्रा लगानी है, वो आपको होमवर्क भी दिया था. अब कई दिन का गैप हो गया है, एग्जाम भी आ गई, तो आप एक बार फिर से क से श्रु तक छोटे ऊ की मात्रा लगाकर ये लिखेंगे. ये भी आपको होमवर्क में
लिखना है. ओके, दिस इज योर होमवर्क.